नमस्कार दोस्तों, वंस मोर अनंतपुरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं एक नई वीडियो और उस वीडियो में हम आपको देंगे तबले का लेसन। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जैसे दुनिया में कोई भी भाषा होती है उसके बोल होते हैं, जैसे हम अंग्रेजी ही देख लें, उसमें ABC होती है, और पंजाबी में वो होता है, उसके भी अक्षर होते हैं जैसे उड़ा अड़ा ऐसे ऐसे, और हिंदी में क ख घ, और उर्दू में भी जो लफ्ज़ हैं सारे भाषाओं के लफ्ज़ हैं, वैसे ही क्या तबले के भी बोल होते हैं? तो दोस्तों हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, तबले के भी बोल होते हैं जिनको मिलाकर हम अच्छा तबला बजाने लगते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के आधार पर हमने बनाया है। तो दोस्तों कई जो विद्वान हैं वो जो तबले के बोलों को 10 मानते हैं और कई विद्वान इस बोलों को 7 मानते हैं। तो दोस्तों ये बोल आखिर है क्या? बोल का मतलब क्या होता है? दोस्तों बोल वो है जो तबले के ऊपर आघात करने से पैदा होते हैं, जैसे कि कुछ बोल दाएं के और कुछ बाएं के होते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ही जो तबले की भाषा निकलती है और तबला बोलता है। तो दोस्तों कई बार जो हमारे नई फ्रेंड्स हैं, जहाँ लिसनर हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि तबले के बोल नहीं होते, सिर्फ इसे ऐसे ही हाथों से बजाया जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है हमने इसी के आधार पे बनाया है कि जो तबले के बोल होते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा दायां तबला है जिसे हम चट्टू भी बुलाते हैं, और या फिर हम इसे फीमेल यानी कि मादा बुलाते हैं। तो जो इसके बोल हैं इसके ऊपर कितने बोल निकलते हैं? और जो हमारा बायां तबला है जिसे हम डुगी और जिसे हम मेल बुलाते हैं, और इसके बोल कितने हैं? तो दोस्तों इसी की उलझन बाजी में जो है हमारे नए लिसनर हैं, जहाँ जो नए सीखते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको कुछ लोग बताते नहीं हैं कि हाँ इन दोनों के बोल कैसे होने चाहिए या कैसे होते हैं, और जो इनमें से जो निकलती हैं बोल वो कैसे कैसे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ऊपर से आघात करके ऐसे, ऐसे बजाकर दिखा देते हैं और बोलते हैं कि इसे ऐसे बजाओ। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। तो दोस्तों आज हम इन बोलों को ही सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सा बोल निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो तबले के बोल हैं इसे गजरा कहते हैं, और इसे किनार कहते हैं, और इसे मैदान कहते हैं, और इसे स्याही कहते हैं। तो सबसे पहले किनार के बोल हैं ता या ना। यहाँ पे आघात करने पर ता या ना के बोल की जो साउंड निकलता है। तो दोस्तों जो ये मैदान है जिसे हम लाग भी कहते हैं, और इसमें जो ऐसे आघात करने से निकलता है सुर तिन और या फिर ती। ये बिल्कुल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ता और ना है वो थोड़ा सा स्याही के सेंटर में बसता है, और जो तिन है वो थोड़ा सा आगे। ता तिन, और उसके बाद ये हमारे दो बोल हो गए ता तिन। हमने कुल 7 बोल मानकर चल रहे हैं कि हाँ तबले के 7 बोल होते हैं। जैसे इंग्लिश में 25 या 24 वर्ड होते हैं, और पंजाबी के 35 होते हैं, और काका के भी ऐसे बोल मानते हैं ना, तो हम तबले के भी वैसे बोल हम 7 मानेंगे, जिसमें से ता या ना एक, ता या ना दोनों में से एक, तिन और ती, ये दोनों बोल एक ही जगह पर बजाने में निकलते हैं। तो ता या ना
ती या तीन, दो बोल। उसके बाद ते ट, ते ट, ते अलग बोल है, ट अलग बोल। ता या ना एक, ती या तीन दो, ते तीसरा, ट चौथा। ये तो थे बोल दाएं तबले के। और जो बाएं तबले के बोल हैं वो है के, चार इस तबले पे बजे थे और डुग्गी पे पांचवा बोल बजेगा। और उसके साथ हमें इसके साथ घे बजाना है, घे घे। इसका साउंड थोड़ा सा हल्का रहता है और बजता घे की तरह है। और साथ में घे आ तिन ते तो ते घे के। और इन सब की गिनती करेंगे तो जो बोल हैं वो सात होंगे, और इन्हीं सातों बोलों से जो हमारा तबला बजता है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी सीख रहे हों या सीखते हों या सीखना चाहते हों, तो दोस्तों आप इन सब बोलों को याद करिएगा और इसका जो साउंड है वो अच्छी तरह से निकालिएगा, और तभी आपको जो तबला बजाने का आनंद आएगा वो अलग ही होगा। अगर आप ऐसे ही हाँ सुने कहे या आप किसी के कहने पर ही ऐसे बजाते रहेंगे, तो आपको ना तो आपको पता चलेगा और ना ही बजाने वाले को, और ना ही जो आपके साथ संगत करेगा उसको आनंद आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए रोज़ बनाते रहते हैं, वो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।